अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में चार टाइप्स होती हैं, और उसमें हमने पेपिलरी और फॉलिकुलर की कुछ ना कुछ बात कर ली थी। और आखिर मैं आपको ये बता रही थी कि हमने उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि उसको मिला के हम पेपिलरी और फॉलिकुलर को कहते हैं डिफरेंशिएटेड थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है, DTC। और उनकी ट्रीटमेंट का यही रेजिमेन है कि हमने पहले उसकी कंप्लीट सर्जरी कर देनी, कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी करनी है, और उसके बाद हमने उसको फॉलो अप करना है विद रेडियो आयोडीन स्कैन, ठीक है। अगर स्कैन पे हमें कोई भी मेटास्टेसिस, कहीं भी एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू या थायराइड में ही कहीं भी कहीं थायराइड जैसी कोई चीज नजर आएगी, तो फिर हमने पेशेंट को लाजमी तौर पे रेडियो आयोडीन थेरेपी से उसको बिल्कुल ठीक कर देना, ठीक है, मतलब उसको खत्म कर देंगे। तो हमारे पास जो इसकी ट्रीटमेंट रेजिमेन होती है, उसमें हम कहते हैं कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी प्लस फॉलोअप विद रेडियो, फॉलोअप विद थायरोग्लोबुलिन लेवल्स, एंड देन इफ नीडेड देन रेडियो आयोडीन स्कैन एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से उसको खत्म करना। अच्छा, उसमें मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि हमने 6 हफ्ते पहले, अगर हमने स्कैन करना है पेशेंट का, स्कैन करने के लिए हमें 6 हफ्ते पहले थायरोक्सिन बंद करानी पड़ती है, ताकि TSH का लेवल ज्यादा हो, और TSH का लेवल ज्यादा होता है तो आपका जो आयोडीन है, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन आप देते हैं, तो वो जो भी जगह पर अगर एक्स्ट्रा थायराइड टिश्यू कहीं प्रेजेंट होगा तो वो जगह उस रेडियो एक्टिव आयोडीन को ले लेगी। तो TSH का लेवल ज्यादा करना जरूरी है, और TSH लेवल तभी ज्यादा होगा जब बॉडी में TCT4 के लेवल्स कम हो जाएंगे। TCT4 के लेवल तब कम होंगे जब बाहर से थायरोक्सिन जो दे रहे हैं पेशेंट को, वो देना छोड़ देंगे। लेकिन अब आपको सोचेंगे 1.5 महीने के लिए, यानी 6 हफ्ते के लिए, अगर किसी को हम थायरोक्सिन नहीं देंगे तो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म में चढ़ा जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरी TCT4 को सप्रेस करने के बजाय पेशेंट को ये कहते हैं कि TCH वाली टैबलेट देना शुरू कर दे, ठीक है, या TCH उस टाइम में ले, ताकि मतलब 6 हफ्ते पहले हम उसकी थायरोक्सिन बंद कर देंगे जो मेनली T4 होती है, उसके बजाय हम उसको TCH वाली टैबलेट्स पे ले आएंगे जिनमें खाली TCH होता है, इसलिए कि TCH का लाइफ टाइम छोटा होता है। और जब हम इसको 2 हफ्ते पहले अगर स्कैन से पहले बंद कर देना, इसको तो हमें थायरोक्सिन को तो 6 हफ्ते पहले बंद करना पड़ा था, अगर TCH की टैबलेट हम 2 हफ्ते पहले भी बंद करें तो भी ये आराम से इसका लेवल खत्म हो जाता है और TSH राइज हो जाता है। तो इससे पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म बचाने के लिए ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी में हमारे पास हिस्टोलॉजी में अगर हम देखें तो ये अगर थायराइड ग्लैंड हिस्टोलॉजिकली, तो इसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं ऐसे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारा कोलोइड भरा हुआ होता है, और इन फॉलिकल्स के अंदर आपका T3 एंड T4 हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। अब फॉलिकल्स तो पड़े हुए, लेकिन फॉलिकल्स के आसपास क्या है, फॉलिकल्स के आसपास मैंने आपसे कहा था कनेक्टिव टिश्यू है ये सारा, ठीक है, जिसको मैं पैरेन्काइमा कह रही थी। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंदर कुछ और सेल्स भी पड़े हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। अब आपको पता है कि आपका थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और उस हार्मोन को हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है, एस देन योर TCH4 कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है। ये कैल्सिटोनिन सिक्रीशन जो है ना, ये फॉलिकल्स नहीं करते बल्कि ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स का काम होता है, ठीक हो गया जी। आपके फॉलिकल्स T3 T4 बना रहे हैं, लेकिन आपके फॉलिकल्स के साथ जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स बाहर पड़े हुए हैं वो बना रहे हैं आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब आपके पास अगर आपका जो कैंसर है तो इन पैरा फॉलिकुलर सेल्स में से अराइज करता है, और इनकी जो है वो अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट होने लग जाती है। तो डेफिनेटली बात है आपकी बॉडी में T3 T4 को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो नॉर्मल बन रहे हैं, लेकिन कैल्सिटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज योर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, जिसको पेपिलरी थायराइड दूसरे फॉलिकुलर से इसी वजह से डिफरेंट है, क्योंकि फॉलिकल से अराइज ही नहीं करता, ये पैरा फॉलिकुलर सेल से अराइज करता है, एंड द पॉजिटिव एजेंट जो ज्यादा होता है वो आपका कैल्सिटोनिन होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने चेक करने होते हैं कैल्सिटोनिन के लेवल्स, और उसके साथ आपका कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो CEA है, ये भी आपका एक ट्यूमर मार्कर है, ये भी अक्सर रेज होता है, जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर होता है। अच्छा, ये आपका क्यों कैंसर होता है, इसकी बात फिजियोलॉजी में कुछ कहानी इस तरह से कि ज्यादातर जिस तरह हमने बाकियों का पढ़ा था कि एक आपका पेपिलरी कार्सिनोमा की ज्यादातर रेडिएशन के साथ एसोसिएशन है, फॉलिकुलर की ज्यादातर एसोसिएशन है प्रीवियस गोइटर के साथ, इसकी एसोसिएशन है ज्यादातर आपकी एक ही जीन में म्यूटेशन के साथ, दैट इज रेड प्रोटोन को जीन्स। मैंने पहले भी काफी दफा जिक्र किया हुआ कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं विच आर कॉल्ड इज प्रोटो ऑनको जीन्स, यानी कि वो बस कैंसर बनने के लिए तैयार बैठे होते हैं। उन जीन्स में जरा से भी म्यूटेशन हो तो, आपको पता है कि बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं, किसी ना किसी जीन में म्यूटेशन किसी वजह से कभी हो भी जाए, जरूरी नहीं होता कैंसर बने। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटो ऑनको जीन्स या ऑनको जीन्स है, क्योंकि वो तैयार बैठे होते हैं, कि उनमें म्यूटेशन होती नहीं गई तो कैंसर बना देते हैं, ठीक है। रेड इज वन ऑफ दैट, जो आपका रेड प्रोटोन को जीन है। तो आपका जो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है, ये आपका रेड प्रोटोन को जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, और म्यूटेशन एक दफा हो गई, अब म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, म्यूटेशन वैसे बैठे बैठे भी हो सकती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है। आपको अक्सर पड़ा है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स को बार बार स्टिमुलेट कर रही होती है, तंग कर रही होती है, तो उसकी वजह से अक्सर आपकी म्यूटेशन हो जाती है। और आपके क्रॉनिक थायरॉयडाइटिस के जो केसेस हैं उनमें मेडुलरी कार्सिनोमा बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा कुछ फेमिलियल सिंड्रोम्स होते हैं, उन्हें भी हो जाती है।
तो आपके पास जो मेडलरी कार्सिनोमा है ना, ये अकेला कम ही होता है, ज्यादा इसके एसोसिएशन है भी आपका मेन टू ए एंड मेन टू बी सिंड्रोम्स के साथ। आपको याद होगा ये मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया सिंड्रोम्स थे, हमने पढ़े थे ये भी सारे पैथोलॉजी में, जिसने पैथोलॉजी पढ़ी हुई उसकी सारी बातें याद होंगी। तो मेन टू और मेन टू बी सिंड्रोम थे मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, यानी इनमें एक न्यूप्लेजिया नहीं हो रहा होता था, इसमें मल्टीपल हमारे पास चीजें जो है वो खराब हो रही थी, ठीक है, मेन टू ए और मेन टू बी में। अब उसमें मेन टू ए में जैसे अब अगर हम बात करें तो तीन पीज हमने पढ़े थे कि इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इसमें से एक तो आपका ये हो गया जो आपका पैराफोलिकुलर सेल्स की वजह से कार्सिनोमा आ रहा है, ये वाला पी हो जाता है। एक आपका पैरा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पर मेन टू ए में एड्रीनल मेडल्ला भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो मेन टू ए में आपकी तीन चीजें जो इन्वॉल्व हो रही होती है, एक आपका ये कैल्सिट्रेनिन प्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ योर थायराइड ग्लैंड है, उसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, प्लस आपका एड्रीनल मेडल्ला अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन करने लग जाएगा तो आपका फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा इज ट्यूमर ऑफ योर एड्रीनल मेडल्ला, जिसमें आपके एक्सेसिव एड्रीनलिन और एड्रीनलिन बनते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास ज्यादातर इसकी एसोसिएशन मेडलरी कार्सिनोमा की मेन टू ए या मेन टू बी के साथ होती है, मेन टू बी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मेन जो दोनों की चीज है वो ये कि रेड प्रोटोन को जीन है। तो हमारे पास अगर ये मेडलरी कार्सिनोमा उनके साथ आए, तो अगर कोई भी पेशेंट होता है मेडलरी कार्सिनोमा को, उसमें आपने लाजमी पहले चेक करना होता है कि पेशेंट को मेन टू ए तो नहीं है। अब उसके लिए आपका एक आसान तरीका ये होता है कि आप पेशेंट के फियोक्रोमोसाइटोमा का टेस्ट कर ले। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है कि आपके पास इस डिजीज में ना हमारे पास यूरिनरी मेटानेफ्रिन्स और यूरिनरी आपके जो वेनिलिन मेंडेलिक एसिड है वीएमए है वो इंक्रीज कर जाते हैं, ज्यादा आपके यूरिनरी मेटानेफ्रिन्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी मेटानेफ्रिन का लेवल हम चेक करते हैं, अगर वो ज्यादा होता है इसका मतलब ये है कि आपके पेशेंट को कोई ना कोई फियोक्रोमोसाइटोमा टाइप चीज डेवलप हो रही है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मेन टू ए हो सकता है। फिर आप पैराथायराइड ग्लैंड को चेक करते हैं कि वो किस तरह से है, क्या वो हाइपर पैराथायराइडिज्म, पैराथायरहार्मोन की प्रोडक्शन किस तरह की है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आपका आपको मिलता है कि आपका यूरिनरी मेटानेफ्रिन है और आपको फियोक्रोमोसाइटोमा है पेशेंट को, तो आपने थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने से पहले पेशेंट के इसको ट्रीट करना पड़ेगा, फियोक्रोमोसाइटोमा को लाजमी तौर पे, क्योंकि ये आपका जो है ना ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। एड्रीनलिन और एड्रीनलिन की वजह से सिवियर ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगी और एकदम पेशेंट कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपने इसको रिमूव करना होता है, फिर आप थायराइड की तरफ आते हैं। और आपने जब पैराथायराइड ग्लैंड को रिमूव करना है ना, अगर पेशेंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, तो आप चेक करते हैं कि आपके चार पैराथायराइड ग्लैंड में से कितने हैं जो कि एबनॉर्मल है और कितने ठीक है। आपको लग रहा है कि दो एबनॉर्मल है और दो ठीक है, तो आप कहेंगे कि आप पहले एक को रिमूव करेंगे और फिर बॉडी का सीरम पैराथायराइड पैराथॉर्मोन का लेवल चेक करेंगे। अगर पेशेंट की बॉडी का पैराथॉर्मोन का लेवल एकदम से ड्रॉप करते हैं, इसका मतलब ये कि यही वाला ग्लैंड था जो कैंसर था, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रहा था और ये अब निकल गया, तो बॉडी का पैराथॉर्मोन नॉर्मल हो गया। अगर नहीं नॉर्मल होता तो आप दूसरा निकालेंगे और फिर आप उसे चेक करेंगे, अगर फिर भी नहीं नॉर्मल होता फिर आप तीसरा निकालेंगे इस तरह। लेकिन जितनों की जरूरत होती है, जो इन लार्ज आपको नजर आ रहे थे उतने ही निकालते, सारे नहीं निकाल के बाहर कर देते। और अगर आपको चारों निकालने पड़े और अगर आपको लग रहा है कि ये कैंसरस सारे नहीं थे, सपोज ये चौथे वाला कैंसरस नहीं था लेकिन ये निकालना पड़ गया क्योंकि यहाँ स्टे नहीं कर पा रहा था आफ्टर थायरॉयडेक्टमी, थायरॉयडेक्टमी तो आपने करनी ही करनी है ना, क्योंकि वो तो हो ही मसला रहा है मेडलरी कार्सिनोमा में थायरॉयड में, ठीक है। तो आपका अगर आपको लगता है कि एक बच रहा है, ठीक है, आपने उसे निकाल लिया, आपने निकाल के जब हिस्टोपैथोलॉजी में देखा तो बिल्कुल ठीक था, तो आप उसकी री इम्प्लांटेशन करते हैं। अब री इम्प्लांटेशन हमेशा याद रखें नेक में नहीं होती कभी भी, क्योंकि अब नेक में कोई थायरॉयड ग्लैंड नहीं है जो कि उसको सपोर्ट करेगा। री इम्प्लांटेशन हमेशा बाजू में कर देते हैं पेशेंट की ही, ताकि पैराथायरॉयड हार्मोन का वो फंक्शन जो है वो कायम रहे मेरे, ठीक हो गया। तो आपने जरा सी चीजें ये वाली लाजमी ध्यान में रखनी होती है बिफोर डूइंग एनी अदर सर्जरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेडलरी थायरॉयड कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले तो करनी है इसकी कम्प्लीट थायरॉयडेक्टमी, ताकि पूरा थायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाए, ठीक हो गया। और कम्प्लीट थायरॉयडेक्टमी करने के बाद हम क्या करते हैं, मेडलरी कार्सिनोमा में ना आपके जो खास तौर पे आसपास के लिम्फ नोड्स हैं सबसे करीब, वो तो वहीं पर डिसेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कैंसर बहुत जल्दी लिम्फ नोड्स में फैलते हैं और तकरीबन हमेशा ही फैला होता है। इस वजह से जो आपके सेंट्रल लिम्फ नोड्स हैं, यानी आपके जो बिल्कुल ग्लैंड के आसपास लोकेटेड है, उनको तो हम रिमूव कर देते हैं और बाकी सारे नोड्स को भी चेक करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उनको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंसर इसमें लिम्फ नोड्स में जा चुका होता है, ये एग्रेसिव टाइप है ना आपकी। तो आपने सबसे पहले टोटल थायरॉयडेक्टमी करते हैं, साथ आप लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर देते हैं और फिर आप पेशेंट को कैल्सिटोनिन और सीईए लेवल से मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है, मतलब हर कुछ अर्से बाद कैल्सिटोनिन और सीईए। अगर ये कभी भी नहीं बढ़ते इसका मतलब है कि पेशेंट का कंट्रोल ठीक जा रहा है, लेकिन अगर इनके लेवल रेज करें इसका मतलब है कि रिकरेंस हो रही है और पेशेंट का कंट्रोल नहीं है, कहीं ना कहीं पर उसकी बॉडी और जो है वो बनाने लगी है थायराइड कैंसर जैसा स्टेटस, और उसकी वजह से कैल्सिटोनिन और सीईए रिलीज करी। इस वजह से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है।
अच्छा, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ना ही स्कैन का रोल है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम T3 T4 में है ही नहीं, इसलिए उन साइजों को आपने भूल जाना है। और कीमोथेरेपी से भी ये कैंसर रेजिस्टेंट है, ये बात भी क्वेश्चन में आती होती है, एमसीक्यूज में तो आप याद रखेंगे। तो इसलिए जो मेजर इसकी ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, नेक नोड डिसेक्शन के साथ एंड फॉलो अप है, ठीक हो गया। फॉलो अप के बाद अगर कभी रिकरेंस होती है तो तब भी हमें उस जगह को सर्जिकली रिमूव करना होता है। इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन का कोई रोल नहीं है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला कार्सिनोमा होता है एनाप्लास्टिक। एनाप्लास्टिक नाम से पता चलता है जो हाईली अनडिफ्रेंशिएटेड कार्सिनोमा होता है, बहुत एग्रेसिव है। अगर ये डेवलप हो भी जाता है थायराइड ग्लैंड में, हम उसको निकाल भी देंगे तो 6 मंथ से ज्यादा पेशेंट की जिंदगी नॉर्मली नहीं होती है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा वालों की, ठीक है। तो इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट में भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या पेलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पेशेंट को प्रेशर के सिम्टम्स है तो हम उसका इस्थमस रिमूव कर देंगे ताकि ट्रीकिया पे प्रेशर ना पड़े। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो कई बार हम नहीं भी कुछ करते, क्योंकि हमें पता होता है कि दिस इज सो एग्रेसिव कि हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत रेडियोथेरेपी से फायदा है, और किसी हद तक आपकी जब आप करवा लेते हैं सर्जरी भी तो भी थोड़ा बहुत फायदा होता है, मतलब आपके प्रेशर सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि ग्रो ये बहुत तेज से करता है, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देन आपका लिम्फोमा। लिम्फोमा में तो आपको पता है कि आपके लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट हो जाती है और उस वजह से लिम्फोमा होता है। तो इसमें आपकी ट्रीटमेंट ये होती है कि स्टेज 1 या 2 का होगा तो आपने उसको रेडियोथेरेपी देनी है, और स्टेज 3 या 4 का होगा तो आपने उसको कीमोथेरेपी देनी है। ये हो गया हमारे पास लिम्फोमा। अब यहाँ पर हमारे जो कैंसर्स हैं वो मैं तकरीबन सारे कवर हो गए, ठीक है। इसमें कैसी मुश्किल सी बात नहीं थी, बस इसके बाद हम कर लेते हैं थोड़ी सी थायराइड में किसी को मसला हो के नाश में। थैंक यू।